हेलो सरकार ने बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत प्रदान की है। कक्षा 5 से 8 तक के विद्यार्थियों के लिए विद्यालय स्तर पर मूल निवास बनाने की अनुमति दे दी गई। इसे लेकर गृह विभाग ने विस्तृत परिपत्र जारी कर दिया है और इस परिपत्र के जारी होने के साथ ही अब कक्षा 5 से 8 तक के बच्चों का मूल निवास विद्यालय स्तर पर ही बन सकेगा। ये रिपोर्ट देखिए। अब 5वीं और 8वीं के विद्यार्थियों के मूल निवास बनाने के आवेदन ई मित्र केंद्रों से नहीं उनके स्कूल से भरे जाएंगे। मूल निवास प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के बाद स्कूल से ही वितरित किए जाएंगे। गृह विभाग ने इसकी एडवाइजरी जारी करते हुए आवेदन की प्रक्रिया और दिशा निर्देश जारी किए हैं। देखिए ये रिपोर्ट, क्या रहेगी पूरी प्रक्रिया और कैसे बनेंगे पत्र। 8वीं तक के बच्चों के मूल निवास अब बनेंगे स्कूलों में। गृह विभाग ने जारी की एडवाइजरी। ई मित्र से नहीं भरे जाएंगे आवेदन, स्कूलों से ही भरे जाएंगे आवेदन। सक्षम अधिकारी द्वारा जारी होने के बाद स्कूल से ही होंगे वितरित। शिक्षक संगठनों ने की विरोध की तैयारी। मूल निवास प्रमाण पत्र जारी करने के लिए निर्धारित आवेदन स्कूल के संस्था प्रधान साल में एक बार सितंबर अक्टूबर में ये फॉर्म भरवाएंगे और सत्य जानकारी भरने की जिम्मेदारी संस्था प्रधान की होगी ताकि भविष्य में विद्यार्थियों को छात्रवृत्ति आदि के लिए परेशानी ना हो। संस्था प्रधान सभी डॉक्यूमेंट्स को सरकार द्वारा अधिकृत उपखंड अधिकारी के परिक्षेत्र में स्थापित ई मित्र सीएससी केंद्र के माध्यम से सक्षम अधिकारी को अग्रिम कार्रवाई के लिए भिजवाने की व्यवस्था करेंगे। किन्हीं कारणों से किसी विद्यार्थी का कक्षा 5 में मूल निवास प्रमाण पत्र जारी नहीं हो पाता तो ऐसे में विद्यार्थियों का मूल निवास प्रमाण पत्र कक्षा 8 में भी जारी किया जा सकता है। हालांकि शिक्षा निदेशालय ने गृह विभाग के आदेशों की पालना के लिए संस्था प्रधानों को पाबंद नहीं किया है। प्रदेश की गहलोत सरकार ने बच्चों और अभिभावकों को बड़ी राहत प्रदान की है। अब बच्चों के मूल निवास प्रमाण पत्र भी उनके स्कूलों में ही बना दिए जाएंगे। वहीं दूसरी तरफ शिक्षक संगठनों का यह आरोप है कि उन पर यह जिम्मेदारी भी थोपने की कोशिश की जा रही है। खैर, इससे एक बात तो साफ है कि अब बच्चों के अभिभावकों को सरकारी दफ्तरों के लिए मूल निवास प्रमाण पत्र के लिए चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। कैमरा पर्सन विनोद गोस्वामी के साथ डिंपल शर्मा, फर्स्ट इंडिया न्यूज़, जयपुर।